नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, स्कूल ऑफ साइंसेस, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। आज हम चर्चा करेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री पे। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था, कुछ बेसिक्स बताए थे, कुछ क्वेश्चन बताए थे। अब उसके आगे ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 2x² - 5x + y² = 0। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 2x² - 5xy + y² = 0। अब आगे आते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में। इसमें क्या दिया हुआ है, सिंस द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स बी 2x² - 5xy + y² = 0। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सपोज दैट द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बी y - m1x = 0 एंड y - m2x = 0। देन देयर कंबाइंड इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1 एंड नाउ इट्स परपेंडिकुलर इक्वेशन बी y = -1/m1x and y = -1/m2x. therefore the combined equation is m1y + x multiplied by m2y + x = 0। it means इनका multiplication एक साइड किया गया, मल्टीप्लाई किया गया है। इट मीन्स m1y + x एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में m2y + x = 0 दूसरे ब्रैकेट में should be 0। तब जो है कि वो इक्वेशन परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर फिर मैंने क्या काम किया, इन दोनों को 1/1 मल्टीप्लाई किया। कैसे मल्टीप्लाई किया, m2y का मैंने मल्टीप्लीकेशन यहां पे किया है m1 m2y square। फिर उसके बाद m1 plus m2 कंबाइंड कर दिए गए हैं m1xy, ये हो जाएगा। फिर m2xy ये हो जाएगा। फिर प्लस जो लास्ट बचेगा फैक्टर, x मल्टीप्लाई कर दिया गया x² = the given equation। ये आपका क्या है, 2y² + 5xy + x² = 0। therefore the equation of perpendicular lines b, इक्वेशन आप जो इक्वेशन होगा आप परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, 2y² + 5xy + x² = 0। ये उसका इक्वेशन परपेंडिकुलर लाइंस भी लाइन होंगे, वो उसके इक्वेशन होंगे। तो ये बताया गया क्वेश्चन में, मैं रिपीट कर रहा हूं कि फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन दिया गया है, फिर उसके भी इक्वेशन दिया गया है। जब वो पेयर बनाएंगे मीन्स जब आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो इक्वेशन बना है, हमको इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या हो जाएगा, 2y² + 5xy + x² = 0। ये उसका इक्वेशन होगा। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 ऑन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई ax² + 2xy + by² = 0 should be। ये क्या होगा, ax² + 2xy1 + by² /
a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर होल पावर वन बाई टू. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर होंगे किसी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट किसी पॉइंट पे एक्स वाई पे, तो लाइन रिप्रेजेंट बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इस शुड बी ये होना चाहिए. मीन्स ए एक्स वन स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वन वाई वन प्लस बी वाई वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ब्रैकेट ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर होल पावर वन बाई टू, इसको ये प्रूफ करना है. अब आगे आते हैं. सपोज दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उसी कंडीशन है वाई माइनस एम वन एक्स एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में वाई माइनस एम टू एक्स, मीन्स ये दोनों के इसके इक्वल होंगे. क्या मतलब हुआ? ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस एम वन एक्स माइनस वाई टू माइनस एम टू एक्स के बराबर होंगे. दैट इज, अब मल्टीप्लीकेशन किया मैंने तो मुझे क्या मिला, एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू टू एच अपान बी एंड एम वन एम टू इज इक्वल टू ए अपान बी. मल्टीप्लीकेशन करने बाद हमने उसे कम इसको मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों साइड को मैंने कंपेयर कोएफिशिएंट कंपेयर कर दिया तो हमें ये मिले एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू माइनस टू एच अपान बी एंड एम वन एम टू इज इक्वल टू ए अपान बी. अब अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? If P1 and P2 be the perpendiculars drawn from the same point x and y1, कोई perpendiculars हैं जो एक point x and y1 हमने suppose कर लिया है उससे वो drawn होते हैं, तब क्या होगा? Then P1 P2, what should be P1 P2, P1 की value, P2 value, P1 P2 की value निकालना पड़ेगा पहले हमें. P1 P2 is equal to value of P1. y माइनस वाई वन माइनस एम वन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ पी टू वाई वन माइनस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एम टू अंडर रूट. मीन्स पी वन पी टू इज इक्वल टू वाई वन माइनस एम वन एक्स वन डिवाइड बाई अंडर रूट वन प्लस एम वन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई वन माइनस एम टू एक्स अपॉन एक्स वन अपान यहां पे y2 होगा y ये x2 ये y2 होगा 1 प्लस m2 स्क्वायर. देयरफॉर p1 p2 इज इक्वल टू ऊपर का मल्टीप्लिकेशन हमने ऊपर कर दिया है नीचे का मल्टीप्लिकेशन नीचे कर दिया है तो मुझे क्या मिला है? यहां मल्टीप्लिकेशन किया मुझे मिला y1 स्क्वायर. अब इसका मल्टीप्लिकेशन हमने यहां पे कर दिया m1 m2 x1 स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया. फिर जब इसको मल्टीप्लाई किया x1 y1 एक्स वन वाई वन मिला हमें फिर एम वन प्लस एम टू एक्स वन वाई वन होल डिवाइड बाई नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया अंडर रूट में है तो वन प्लस एम वन स्क्वायर एक ब्रैकेट में है दूसरे ब्रैकेट में वन प्लस एम टू स्क्वायर मीन्स अंडर रूट के नीचे है तो अंडर रूट यहाँ मैंने लिखा है वन बाई टू के पावर पे फिर वन प्लस एम वन स्क्वायर इन वन ब्रैकेट इन द सेकेंड ब्रैकेट वन प्लस एम टू स्क्वायर देयरफॉर वी मल्टीप्लाई टू इच अदर वन इंटू वन इज इक्वल टू वन. 1 into m1 is m1 square will be 1 into m1 square should be equal to m1 square. Again we multiply m2 square in 1. Therefore 1 into m2 square should be equal to m2 square. And again we multiply m1 square m2 square. Therefore we get m1 m2 whole square. Then अब ऊपर मैंने multiply किया रखा है y1 square. वैल्यू ऑफ एम वन एम टू जो पीछे निकाल चुके हैं माइनस माइनस दोनों प्लस को हमने चेंज किया माइनस फार में यहाँ प्लस था हमने इसे माइनस करके ताकि इस साइड को मैंने पुट कर दिया माइनस टू एच अपान बी टू एच अपान बी इसकी वैल्यू यहाँ पे है माइनस है एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू टू एच अपान बी एक्स वन वन प्लस एम वन एम टू इज इक्वल टू ए अपान बी एक्स वन स्क्वायर ये पूरी वैल्यू ऊपर की आ गई वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर एम वन एम टू होल स्क्वायर होल पावर फिर एम वन एम टू होल स्क्वायर होल पावर वन बाई टू फिर मैंने इसको सॉल्व किया जो इसकी वैल्यू है वह पहले आप निकाल चुके हैं ए एक्स वन स्क्वायर प्लस टू एक्स एक्स वन वाई वन प्लस बी वाई स्क्वायर. अब
ये जो पूरी वैल्यू है हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे बी बी यहाँ पे बी डिनोमिनेटर में है, इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, नीचे बी सेम था, बी डिनोमिनेटर सेम था, दोनों पावर दोनों न्यूमरेटर ऐड हो गए, एक्स वन यहाँ बाहर निकाल दिया मैंने, एक्स वन बाहर निकाल दिया, फिर वहाँ पे ये आपको मिल गया, फिर ये क्या है एलसीएम ले लिया हमने, लेने के बाद क्या मिला ए वन एक्स वन ए एक्स वन स्क्वायर बी नीचे आगे डिनोमिनेटर में प्लस टू टाइम्स ऑफ एच एक्स टू एच एक्स वन वाई वन प्लस बी वाई वन स्क्वायर। अब जो नीचे की वैल्यू है बी यहाँ पे था वो नीचे आ गया डिनोमिनेटर में आ गया, बी यहाँ पे आ गया तो बी ब्रैकेट वन प्लस इसकी वैल्यू एम वन प्लस एम टू होल स्क्वायर, पहले आप निकाल चुके हैं एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू अपॉन बी, एम वन प्लस एम टू जो वैल्यू निकाल चुके हैं, फिर आपने उसको इधर स्क्वायर किया है, स्क्वायर करने बाद हमें मिले हैं एम वन प्लस एम टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ एम वन एम टू, फिर तभी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ एम वन एम टू, यहाँ पर रख दिया मैंने, फिर इसकी वैल्यू एम वन एम टू ए अपान बी होल स्क्वायर एम वन एम टू इज इक्वल टू ए अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर वन बाई टू इन प्लस ऑफ वन बाई टू एन प्लस के प्लस ऑफ बढ़ा मीन्स इसकी वैल्यू वन एज इट इज वन एज इट इज, ये पूरी वैल्यू आपकी ये यहाँ पे है प्लस एम वन एम टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपान बी होल स्क्वायर होल पर वन बाई टू। अब इसको मैंने नीचे वाले को डिनोमिनेटर मैंने सॉल्व किया, नेटर जब मैं सॉल्व करूंगा तो हमें मिलेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर होल पावर वन बाई टू, हमको मिल गया पी वन पी टू वैल्यू मिल गई। ये आपको क्या मिला आपके हमें ये जो हमें मिला है ये इसकी पूरी वैल्यू। देयर फोर जो हमारा मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन क्या था कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर से ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट एक्स वन वाई वन ऑन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इज ए एक्स वन स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वन एक्स वन वाई वन प्लस वी वन स्क्वायर डॉट बाई ए माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी स्क्वायर। हमने इक्वेशन रखा उसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने बाद हमको ये वैल्यू मिली। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है प्रूव दैट एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई, क्वेश्चन क्या दिया गया है प्रूव क्या करना हमें, प्रूव ये करना है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एक्स कॉस अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू अल्फा, मीन्स जो इसकी वैल्यू होगी वो टू अल्फा के इक्वल होगी, इस मीन्स ये जो वैल्यू होगा इसकी पूरी वैल्यू टू अल्फा के इक्वल होगी। इट मीन्स प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू इन ब्रैकेट एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा होल पावर टू इज इक्वल टू टू अल्फा। इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या दिया गया है, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये इक्वेशन दिया गया उसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा फिर जो एक्स वाई वैल्यू ए की वैल्यू फिर टू एक्स वाई ये एच की वैल्यू फिर वाई स्क्वायर उसकी वैल्यू फिर मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो रखने के बाद ए एक्स स्क्वायर ये रखा इज इक्वल टू जीरो एंड हेंस इफ फाई बी द एंगल बिटवीन दिम अगर दोनों के बीच जो एंगल फाई है तब टेन फाई इज इक्वल टू टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, जो एंगल होगा क्या होगा टेन फाई इज इक्वल टू टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी होल डिवाइड बाई ए प्लस बी। देयर फोर अब इसको देख लीजिए 2h 2 अंडर रूट स्क्वायर माइनस ए बी इज वैल्यू देख लीजिए इसकी 2h s की वैल्यू फिर ab की वैल्यू h इज इक्वल टू साइन 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल पावर वन बाई टू होल पावर वन बाई टू, ये इसके ऊपर चला गया, इसको एलिमिनेट करेंगे 2 यहाँ पे है कुछ पोर्शन कॉमन होंगे कुछ कैंसिल हो जाएंगे कुछ पोर्शन कॉमन होंगे कुछ कैंसिल हो जाएंगे तो मुझे मिलेगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, हमको मिलेगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा होल पावर 2 2 कैंसिल कर ये हमें बचेगा। सिंस ए प्लस बी इज इक्वल टू
साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सो मच इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा अल्फा माइनस वन वैल्यू मिला इज इक्वल टू माइनस कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस टू अल्फा देयरफॉर टेन फाइव इज इक्वल टू साइन टू अल्फा डिवाइड बाई माइनस कॉस टू अल्फा जो वैल्यू होती है साइन अपॉन टेन थीटा वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस तो ऊपर साइन है नीचे कॉस है ये निगेटिव साइन ऊपर नीचे है तो ऊपर चला गया मीन से ऊपर चला गया तो हो गया टेन टू अल्फा इधर टेन टेन फाइव टेन टेन ये टेन कैंसिल आउट करके फाइव इज इक्वल टू माइनस टू अल्फा और हमने पॉजिटिव वैल्यू ले लिया फाइव इज इक्वल टू टू अल्फा ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन हमारा यही था कि क्या प्राप्त फाइंड करना है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द कंडीशन दैट वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो कॉमन टू द लाइन गिवन बाई ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस टू एच डैश एक्स वाई प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो मीन्स क्वेश्चन दिया गया है कॉमन सपोज दैट y इज इक्वल टू एम एक्स बी द कॉमन लाइन टू द बोथ पेयर पुटिंग y इज इक्वल टू एम एक्स द टू इक्वेशंस हमने y के रिप्लेसमेंट कर दिया y इज इक्वल टू एम एक्स पुट किया मैंने y इज इक्वल टू मैंने एम एक्स पुट किया ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स है वाई की हमने क्या दिया एम एक्स एम इंटू एक्स हो गया यहाँ पे आपका दिया है a सेम है एक्स स्क्वायर भी सेम है टू आपका सेम है एच आपका सेम है एक्स पहले से है तो वाई की वैल्यू मैंने लिखा है एम इंटू एक्स इंटू एक्स देयर फोर ये क्या हो जाएगा टू यम एक्स इंटू एक्स यम इंटू एक्स स्क्वायर सिमिलरली बी बी एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू आपका बी वाई यम सॉरी यहाँ बी रहेगा ठीक है बी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आर बी एम स्क्वायर bm स्क्वायर प्लस टू एच एच एम प्लस ए इज इक्वल टू जीरो देयर फोर अब अगला क्वेश्चन ये पहले खो गया दूसरे में आ जाएगा सेम फॉर द सेकेंड ए डैश स्क्वायर प्लस टू एच डैश एम एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एम स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो पहले के लिए हो गया ये वाला दूसरे के लिए हो गया ये वाला सेम चीज वही मैंने पुट किया है एम एक्स मैंने पुट किया तो हमको वही चीज यहां मिल गई है आगे देखते हैं वही मिला मैंने पुट किया फिर हमें ये क्वेश्चन नंबर दो मिल गया अब आगे आते हैं फिर देयरफॉर एम स्क्वायर डिवाइड बाई ए डैश एच माइनस एच डैश इज इक्वल टू टू एम अपान ए बी डैश माइनस ए डैश बी इज इक्वल टू वन अपान बी एच डैश माइनस माइनस बी डैश एच देयरफॉर एम इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लीकेशन किया दो में से किसी यहाँ से एक ले लिया लेने के बाद में सॉल्व किया टू एच ये पोर्शन वहाँ पर चला गया m इज इक्वल टू इससे मैंने ले लिया तो जब चला नीचे फिर m इज इक्वल टू टू ए डैश एच माइनस ए एच डैश अपान ए बी डैश माइनस ए डैश बी हमने इन दोनों इक्वेशन को लिया देयर फोर इज इक्वल टू एंड m इज इक्वल दूसरा मिल गया हमको ए बी डैश माइनस ए डैश बी अपान टू बी एच डैश माइनस बी डैश एच देयर फोर दोनों कंपेयर करते हैं बराबर मैंने कर दिया ये दोनों इसके इक्वल हो गए टू ए डैश एच माइनस ए डैश एच ए एच डैश ए बी डैश माइनस ए डैश बी इज इक्वल टू ए बी वाला पोर्शन ए बी डैश माइनस ए डैश बी डिवाइड बाई टू बी एच डैश माइनस बी डैश एच ये टू टू यहाँ पे था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने किया इनका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे मैंने किया तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया तो मेरा क्या मिला गया ए बी डैश माइनस ए डैश बी पहला ब्रैकेट का फिर दूसरे ब्रैकेट का ये दूसरे ब्रैकेट का ये ए बी डैश माइनस ए डैश बी फिर टू इंटू टू टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर फोर इंटू ए डैश एच माइनस ए डैश एच एक ब्रैकेट में है दूसरे ब्रैकेट में आ गया है मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया इसका मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन तो मिलने के बाद हमको ये लाइन मिली ए बी डैश माइनस ए डैश बी दूसरे ब्रैकेट में ए बी डैश माइनस ए डैश बी इज इक्वल टू फोर ए फोर ए एच माइनस ए एच ए एच डैश बी एच डैश माइनस बी डैश एच देयर फोर नेक्स्ट लाइन
देयरफॉर हमें वो ये हमारा क्वेश्चन ये मिल गया कि बाय द इक्वेशन ये आपका मिल गया क्वेश्चन है टाबल है सपोज ये मिला सॉल्व किया मैंने देयरफॉर हमको क्या मिल गया इसकी पूरी वैल्यू मिल गई पूरे इक्वेशन का। अब आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है नेक्स्ट आर्टिकल है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन इज गिवन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन बी इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन बी वाई इज इक्वल टू एम वन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एम टू एक्स बाइसेक्टर तो होगा तब जब जैसा कि हम जानते हैं m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h डिवाइड बाय b एंड m1 m2 इज इक्वल टू a डिवाइड बाय यदि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ बाइसेक्टर जब ये मिला तो अब उसके बाद m1 प्लस m2 की वैल्यू m1 m2 की वैल्यू अब इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स आर क्या हो जाएंगे y माइनस m1x डिवाइड बाय 1 प्लस m1 स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस एम टू एक्स अपॉन वन प्लस अंडर वन प्लस अनुसार क्योंकि जब दोनों इक्वल होंगे तो उसके बाइसेक्टर ये मिलेंगे आपको देयरफॉर आप इसको मल्टीप्लाई किया मैंने दोनों को लेकर के देयरफॉर y माइनस एम वन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन स्क्वायर प्लस y माइनस एम टू एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एम टू स्क्वायर एक ब्रैकेट में दूसरा y माइनस एम वन एक्स माइनस एक बार प्लस है एक बार माइनस y माइनस एम वन एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम एन स्क्वायर माइनस वाई माइनस एम टू एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एम टू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो उसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे जो आपका डिनोमिनेटर है ये प्लस है ये माइनस है तो हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे यहाँ को जब ये मिला उसके बाद सॉल्व किया तो मेरे ऊपर क्या मिल गया ऊपर हमको ये मिलेगा वाई माइनस एम एन स्क्वायर अपॉन वन प्लस एम एन स्क्वायर वन प्लस एम एन स्क्वायर माइनस वाई माइनस एम टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस एम टू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो बाई सॉल्विंग वी गेट सॉल्व मीन्स इनको साइड ले गया इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ किया इसका इसको उस तरफ ले गए ले करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमको वैल्यू मिली है माइनस वाई स्क्वायर एम वन प्लस एम टू प्लस एक्स स्क्वायर एम वन प्लस एम टू माइनस टू एक्स वाई वन माइनस एम टू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो मीन्स ये पूरी लाइन थी इसको उधर ले गए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिला फिर उसके बाद सॉल्व किया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर ये देखिए दोनों कामन निकाल दिए यहाँ पर एम वन एम टू था बाहर हो गया इसमें से तो क्या मिलेगा हमको एक्स माइनस वाई स्क्वायर ये एम वन प्लस एम टू वैल्यू होती है माइनस टू एच अपॉन बी ये दोनों कामन है ये बाहर कर दिया तो ये नीचे आ गया इसकी वैल्यू होती है माइनस टू एच अपॉन बी इज इक्वल टू उसको उधर ले गए माइनस साइन था उधर जाके पॉजिटिव हो गया टू एक्स वाई वन प्लस ए अपॉन बी एम वन एम टू वैल्यू होती है ए अपॉन बी इक्वल हो गए। अब आते फिर देयरफॉर फिर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में जो उधर वहाँ लिखे थे हमने ये देखिए ये मेरा था ये लाइन आगे चली गई तो हमें क्या मिला ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में है दूसरे ब्रैकेट में टू एच अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू वन माइनस ए अपॉन बी उसके बाद जब किया फिर ए अपॉन बी यहाँ पे था इसको मैंने साइड मल्टीप्लाई किया ये हो गया ये ए माइनस बी अपॉन बी ए माइनस बी अपॉन बी ए माइनस बी अपॉन बी कैंसिल किया बी बी नीचे हो गया साइड कैंसिल हो गया तो ये जाके साइड चेंज कर दिया एक्स स्क्वायर का प्लेस बाई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये फिर यहाँ पे डिवाइड बाई मिल जाएगा आपको ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई टू टू कैंसिल कर दिया। Therefore, since the sum of the coefficient of x square plus y square in the equation is equal to zero, therefore a plus b is equal to zero. Hence, the bisectors are perpendicular. जब सम होंगे दोनों के जीरो होंगे तो ये क्या होगा Hence, the bisectors are perpendicular. अब आगे आते हैं next point पे आते हैं आर्टिकल पे हमारा क्या है next आर्टिकल General equation of the second degree. सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये जो इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन
शो करता है तब सपोज दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस बी, स्ट्रेट लाइन क्या होंगे, दूसरे फॉर्म होते दो लाइन हो गए, L1x plus M1y plus 1 is equal to 0, सेम फॉर द अदर L2x plus M2y plus M2 is equal to 0. Therefore, product of these two, product means दोनों प्रोडक्ट कीजिए पहले लाइन दूसरे लाइन का, L1x plus M1y plus M1 एक ब्रैकेट में है, दूसरे में L2x plus M2y plus M2 is equal to 0. जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब दोनों को ax² plus by² plus 2xy plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, फिर उसके बाद हम इसे इसके कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, कंपेयर जो कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, L1 L2 is equal to A, M1 M2 is equal to B, N1 N2 is equal to C, एंड फिर हमें क्या मिलेगा, L1 M2 plus L2 M1 is equal to 2h, एंड M1 N2 plus M2 N1 is equal to 2f, और N1 L2 plus N2 L2 2g, ये हमें मिले. R और C को मैंने फॉर्म लिख दिया, इस फॉर्म में ए बी माइनस सी एफ स्क्वायर माइनस एच ब्रैकेट एच सी माइनस जी एफ एक ब्रैकेट में प्लस जी एच एफ माइनस बी जी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू जीरो. इसी इक्वेशन को हमने लिख दिया मैट्रिक्स फॉर्म में. मैट्रिक्स फॉर्म मीन्स ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी इज इक्वल टू जीरो. या इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते पहले ए बी सी लिख दिया क्रॉस में डायगोनली फॉर्म लिखे, फिर एफ जी एच, फिर एफ जी एच, ये लिखने का तरीका है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में ए बी सी लिख दिया, फिर एफ जी एच, उसी फिर एफ जी एच वहां उठा के लिख दिया इज इक्वल टू जीरो. तो दैट इज ए बी सी मल्टीप्लीकेशन किया क्रॉस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को यूज किया मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में, ए निकाल लिया ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये इसकी वैल्यू हो गई. दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन दैट, क्या कंडीशन है, वही इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. क्या कंडीशन है कि इस इक्वेशन में अगर ये चीज होती है तो क्या होगा, वो पेयर ऑफ जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ जनरल लाइन लीनियर इक्वेशन. मीन्स आपका ये इक्वेशन हो गया कि आपका क्या होगा, ये देखिए क्या पूछ रहा है, सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री ये है आपका इक्वेशन है, ये रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन किस कंडीशन में, कंडीशन आपका ये है, जो आपका ये इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये जो है कि कब प्रूफ स्ट्रेट लाइन करेगा, कब ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस सी एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी जी इज इक्वल टू जीरो, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा. अब आते हैं इसमें आगे, हियर ए बी सी स्टैंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड कॉन्स्टेंट टर्म, यानी कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए है, वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट बी है और सी कॉन्स्टेंट टर्म है, और एफ जी एच क्या है, स्टैंड फॉर द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट, हाफ कोएफिशिएंट भी एफ जो है कि वाई का हाफ है, जी एक्स इसका एक्स हाफ है और एच एक्स वाई का हाफ है. थैंक यू, आज इतना ही, इसके आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमने आज इसे बता दिया आपको. थैंक यू सो मच.